I think this is one of the most inspirational movies that I have seen. मुझे लगता है इस कहानी में एक मासूमियत है, एक सच्चाई है. ये फिल्म जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है. बापू, आप किसके लिए जीते हो? आप किसके लिए जीते हो? गुरुजी, आप किसके लिए जीते हो? कहीं पर भी कोई भी गलती हुए बगैर हर सीन को फिल्माया गया है. शॉर्ट फिल्म का एक ही शॉर्ट बात है, जियो तो दूसरों के लिए जियो, बस यही है. पीपल हु इंस्पायर मिलियंस डिड नॉट ऑलवेज हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा ही इस वजह से क्योंकि मुझे बेहद पसंद आई थी ये फिल्म. स्वामी जी कहते हैं कि बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं. हो सके किसी के वास्ते चलो जीते हैं. बहुत ही लाजवाब फिल्म देखी मैंने. प्लीज जैसे ही मौका मिले ये फिल्म जरूर देखें. द सेल्फलेसनेस, द ह्यूमिलिटी ऑफ दैट वन थॉट हैज चेंज्ड द होल नेशन. ये महज एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन है. इस पिक्चर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो देश की भावनाओं को जगाती है और आशा जगाती है. आज की इस फिल्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर तो हुआ ही है, किंतु ये भी समझ पाए हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व तैयार हुआ है. आई थिंक द लिरिक्स वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. चलो जीते हैं, ये कभी खत्म न होने वाली एक फिल्म है. ये हमारे लिए है तो प्लीज जरूर देखिएगा और इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलनी चाहिए. मैं महावीर जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का परिचय उनके इस जीवन के अनुभवों से एक छोटे 32 मिनट की प्रस्तुति में इतने सुंदर रूप से हम सबको देखने को मिला. धन्यवाद. चलो.